नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका दोस्त विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 9, 10, 11, 12 के पाठ्यक्रम में संचालित हिंदी व्याकरण की पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना नाम की किताब। दोस्तों इसमें अभी वर्तमान में हम संधि नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। संधि टॉपिक के अंदर हम स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं उनमें से 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को हम पढ़ चुके हैं, और आज हम यण संधि पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले भी हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब कक्षा 6, 7, 8 की हमारा राजस्थान नाम की किताब और कक्षा 9, 10 की राजस्थान अध्ययन की किताब को हम पढ़ चुके हैं, और उन किताबों को हमने वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ा है। अगर आपने अभी तक हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लें। सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट के अंदर क्लास वाइज अरेंज्ड हैं, क्लास वाइज लगे हुए हैं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लें। अगर आप राजस्थान की किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो वीडियोस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। संधि नाम का टॉपिक जिसे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस संधि नाम के टॉपिक में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 तरह की संधियां होती हैं। इसमें से पहली संधि है स्वर संधि, और स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। इन 5 प्रकारों में से दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि हम पढ़ चुके हैं। एक बार उनका दोबारा से दोहरान कर लेते हैं। दीर्घ संधि वो होती हैं जिनमें छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ स्वयं के स्वर के साथ मेल करता है। यानी कि छोटा आ बड़ा आ, छोटे आ बड़े आ में से किसी के साथ, छोटी ई बड़ी, छोटी ई बड़ी में से किसी के साथ, और छोटा उ बड़ा उ, छोटी उ बड़े उ के साथ संयोग करके अपने ही स्वर का दीर्घ या गुरु स्वर की मात्रा में परिवर्तित होते हैं। जैसे क्रमशः बड़े आ, बड़ी ई और बड़े उ में ये परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये संधि हमारी दीर्घ संधि कहलाती है। और गुण संधि, दूसरी गुण संधि कौन सी होती है? गुण संधि वो होती है जिसमें छोटा आ व बड़ा आ छोटी ई और बड़ी ई और छोटे उ और बड़े उ से मेल करते हैं। छोटे आ बड़े आ का मेल क्रमशः छोटी ई बड़ी एवं छोटे उ बड़े उ से होने के उपरांत जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है छोटी ए और छोटे ओ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ऐसी संधि गुण संधि कहलाती है। दोस्तों दीर्घ संधि की जो पहचान होगी वो पहचान होगी बड़ा आ बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा शब्द के मध्य में आएगी, और गुण संधि के अंदर छोटी ए व छोटे ओ की मात्रा आएगी। ये इन शब्दों की पहचान है आज हम, और सॉरी वृद्धि संधि की, वृद्धि संधि और रह गया, वृद्धि संधि की जो वो मेल होगा, वृद्धि संधि का मेल होता है छोटे आ व बड़े आ क्रमशः छोटी ए बड़ी ए और छोटे ओ बड़े ओ से मेल करके बड़ी ए व बड़े ओ की मात्रा में कन्वर्ट होते हैं, तो वो वृद्धि संधि कहलाती है। छोटी ए व बड़ी ए की मात्रा में जो कन्वर्ट होते हैं वो तो गुण संधि, और जो बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा में कन्वर्ट होते हैं वे वृद्धि संधि के अंदर आते हैं। वृद्धि संधि की पहचान क्या है कि बड़ी ए या बड़े ओ यानी कि दो मात्राओं वाला अक्षर शब्द के अंदर होगा, दो मात्राएं शब्द के अंदर आएंगी तो वो शब्द वृद्धि संधि के अंदर आएगा। दोस्तों आज हम चौथे नंबर की संधि यानी कि यण संधि देखेंगे। आइए देखते हैं यण संधि क्या है। अब तक हम
छोटे आ और बड़े आ का संयोग स्वयं से, छोटी ई बड़ी ई से, छोटे ऊ बड़े ऊ से, छोटे ओ बड़े ओ से के साथ में और छोटे ऊ बड़े ऊ के साथ में कर चुके हैं। अब तक हम छोटे आ बड़े आ का संयोग बाकी सभी स्वरों के साथ कर चुके हैं और री के साथ भी कर चुके हैं। री के साथ में छोटे आ बड़े आ को री के साथ में मेल होने पर अर में कन्वर्ट हो जाता है, अर के अंदर अर, यानी कि रा, ऊपर वाला रा चढ़ता है, शब्द की पहचान ऊपर, जो सिर के ऊपर जो रा चढ़ता है वो शब्द की पहचान होती है उसमें, जो कि गुण संधि के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं यण संधि की। ये सब हमारी पुराना द्वाराम था। अब यण संधि के अंदर क्या होता है? यण संधि सबसे इंपॉर्टेंट संधि है, स्वर संधि के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं, जैसा कि मेरा मानना है। इसमें क्या है, छोटी ई या बड़ी ई के साथ इन दो स्वरों के अतिरिक्त, कौन से दो स्वर, छोटी ई और बड़ी ई के अतिरिक्त बाकी नौ स्वरों में से कोई भी स्वर का मेल हो। दोबारा सुनिए, छोटी ई व बड़ी ई के साथ इनके अतिरिक्त बाकी नौ स्वरों में से किसी भी स्वर का मेल होने पर ये य हलंत में कन्वर्ट हो जाता है। य हलंत यानी कि या में बदल जाएगा, या यज्ञ वाला य में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार छोटा ऊ व बड़ा ऊ के साथ में बाकी इनके अतिरिक्त नौ स्वरों में से कोई भी स्वर के साथ मेल होने पर तो ये व के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, व हलंत व बन व के साथ में बदल जाएगा। और इसी प्रकार री के साथ अन्य किस दस स्वरों में से किसी भी स्वर का मेल होने पर, क्योंकि री अकेला स्वर होता है, कुल 11 स्वर होते हैं, तो री के साथ अन्य 10 स्वरों में से किसी भी स्वर का मेल होने पर ये र हलंत के में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही जिस स्वर से इन स्वरों का मेल होता है उस स्वर की मात्रा भी लग जाती है। जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, अति प्लस अधिक, तो अति प्लस अधिक में अति के अंदर छोटी ई की मात्रा है ता के ऊपर, अति का यानी अति का अंतिम वर्ण कौन सा है, ता है, ता पे मात्रा किसकी लग रही है, छोटी ई की, अति के अंदर छोटी ई की मात्रा है और स्वर मेल किसका हो रहा है, अति के संग अधिक का यानी कि आ का मेल हो रहा है, तो ई के संग आ का मेल होने से ई तो या में कन्वर्ट हो जाएगा और ता के ऊपर उस शब्द की मात्रा लग जाएगी जो पहले लगा हुआ है, यानी कि ता के ऊपर किसकी मात्रा लगेगी, अ की मात्रा लगेगी, आ की मात्रा लगेगी, तो इसलिए ता हलंत में रह जाएगा और वो अत्यधिक हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। जैसे दूसरा, सु प्लस आगत, तो सु किया है अपन ने, सु तो सा के अंदर ऊ की मात्रा है, ऊ को तो व में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊ व में कन्वर्ट हो जाएगा, ई य में कन्वर्ट हो जाएगी और र जो लगेगा वो र रा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो र सॉरी र का एको ऋषि की जो मात्रा होगी, ऋषि ऋषि की मात्रा र में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कैसे होगी, ऋषि वाली सबसे बढ़िया है। देखिए जैसे पितृ प्लस आज्ञा, तो पितृ में जो त्र लगा हुआ है, त्र पितृ के अंदर जो री की मात्रा लगी हुई है, ये री की मात्रा त्रा में बदल जाएगी, त्रा में, त्रा यानी कि त्रिशूल। इन शब्दों की पहचान क्या होगी, कैसे पहचान करेंगे इन शब्दों को, तो इन शब्दों की पहचान करने का एक सीधा सा सरल सा तरीका है कि शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में य व अथवा त्र आएगा, य व अथवा र कहें पर ज्यादातर केसेस में त्र मिलेगा, त्र त्रशूल वाला त्र, य व त्र शब्द के मध्य में आएगा, तो ऐसे शब्द यण संधि के अंदर आएंगे, ये इनकी पहचान है। आइए उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों से पता चलेगा। पहला उदाहरण, अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस अधिक अत्यधिक, सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत, पितृ प्लस आज्ञा
पित्राज्ञा, त्र त्रिशूल वाला है, पित्र प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पित्र के अंदर ता पर री की मात्रा लगी हुई है ऋषि की नीचे वाली, पित्र प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। इसमें विच्छेद करते समय पे य व र पूर्व में आए हलंत वर्ण में क्रमशः ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ व री में री की मात्रा लगा देंगे तथा य व र के जो स्वर हैं उस स्वर के प्रारंभ से पिछला शब्द लिख देंगे। देखिए जैसे अत्याचार, तो अत्याचार में क्या होगा, य आ रहा है शब्द के बीच में, जब शब्द के बीच में य आ रहा है और य पे आ की मात्रा लगी हुई है, जो आ की मात्रा लगी हुई है वो तो चार के साथ चली जाएगी, यानी कि ये तो हो जाएगा आचार। अब बचा य, य को हमने, य किससे बनता है, ई से बनता है, य ई से बनता है, ई य में कन्वर्ट होती है, तो ये वापस होगा य से ई में कन्वर्ट हो जाएगा और ई की मात्रा त के ऊपर लग जाएगी, जो हलंत है त उसके ऊपर लग जाएगी, तो ये अत्य हो जाएगा, यानी कि अत्य प्लस आचार हो जाएगा। इसी तरह से अगला अनविक्षण, अनविक्षण का विच्छेद क्या होगा, अनविक्षण शब्द की पहचान व आ रहा है बीच में, व आने की वजह से यह शब्द यण संधि के अंतर्गत आता है। अब इसमें वापे से वा के अंदर ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की मात्रा, वा के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये बड़ी ई की मात्रा तो पीछे वाले क्षण के साथ चली जाएगी, यानी कि अनविक्षण में से वा के साथ लगी मात्रा क्षण के साथ होने हो जाएगी और पीछे वाला शब्द हो जाएगा ई क्षण। अब आगे वाला शब्द बचा अनव, अ आधा न और व, अब व हमारा उ के अंदर कन्वर्ट होगा, व उ के अंदर कन्वर्ट होगा और उ न हलंत के साथ में जुड़ेगा और ना पर छोटे उ की मात्रा लग जाएगी, यानी कि अनु प्लस इच्छा। अब इसमें मात्रा छोटे उ की भी लग सकती है और बड़े उ की भी लग सकती है। अब इस केस में हमें सार्थक शब्द ढूंढना है, जो शब्द सार्थक होगा वो शब्द बनेगा, तो अनु सार्थक शब्द है न कि अनु, अनु नाम हो जाएगा, सार्थक शब्द नहीं होगा, नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसको। इसी प्रकार तीसरा और देखें मात्र अनुमति, तो मात्र अनुमति में इसमें त्र आ रहा है, त्रिशूल वाला त्र, अब त्र आने की वजह से हमने पहचान लिया कि ये यण संधि है। अब त्र को हमें दो भागों में तोड़ना है, त और र में, त और र में, त्र पे मात्रा किसी भी की नहीं लगी हुई है, यानी कि छोटे आ की मात्रा लगी, किसी की नहीं है तो छोटे आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये छोटा आ तो नुमति के साथ चला जाएगा, यानी कि शब्द हो जाएगा अनुमति पीछे वाला शब्द। अब बचा आगे मा आधा त हलंत और र हलंत, तो जो र हलंत है ये वापस री ऋषि की मात्रा में कन्वर्ट होगा और ता के साथ लग जाएगा, तो ये मात्र हो जाएगा, मात्र अनुमति। इस प्रकार से हम इनका विच्छेद करेंगे। आइए आगे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है अत्याचार, अत्याचार का विच्छेद होगा अति धन आचार, अत्याचार का विच्छेद अति धन आचार, इनको हम अभी देख ही चुके हैं। अनविक्षण, अनविक्षण का विच्छेद अनुधन इक्षण, अनुधन इक्षण, मात्र अनुमति का मात्र प्लस अनुमति, मात्र प्लस अनुमति। और अन्य उदाहरण देखते हैं अब हम, अति प्लस अल्प अत्यल्प, अति प्लस अल्प अत्यल्प, अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष। आगे सत्यवरोध, सत्यवरोध का विच्छेद, सत्यवरोध नहीं सॉरी गत्यवरोध, गत्यवरोध, गत्यवरोध का विच्छेद गति प्लस अवरोध, व्यवहार का विच्छेद वि
अवहार, बे प्लस अवहार, यद्यपि का विच्छेद यद प्लस अपे, यद प्लस अपे बराबर यद्यपि। इसी प्रकार इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि, परि प्लस आवरण पर्यावरण, परि प्लस आवरण पर्यावरण। आगे अभ्यागत का विच्छेद अभिधन आगत, अभ्यागत का विच्छेद क्या होगा? अभिधन आगत। व्यायाम विधन आयाम, व्यायाम विधन आयाम, व्यायाम। पर्याप्त का विच्छेद क्या होगा? परि धन आप्त पर्याप्त, परि धन आप्त पर्याप्त। अभ्युदय, अभ्युदय का विच्छेद अभि धन उदय बराबर अभ्युदय, अभ्युदय। प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। नेक्स्ट रब्युदय, रब्युदय का विच्छेद होगा रवि प्लस उदय, रब्युदय का विच्छेद रवि प्लस उदय बराबर रब्युदय। उपर्युक्त, उपर्युक्त का विच्छेद उपरि धन उक्त, उपरि धन उक्त, उपरि धन उक्त बराबर उपर्युक्त। आगे निधन ऊन न्यून, निधन ऊन न्यून, अधि प्लस उड़ा अध्युड़ा, अधि प्लस उड़ा अध्युड़ा। अध्येय बराबर अधि प्लस एय, अधि प्लस एय बराबर अध्येय। जात्येकता का विच्छेद जाति प्लस एकता, जाति प्लस एकता बराबर जात्येकता। नदी प्लस अर्पण बराबर नद्यर्पण, नदी प्लस अर्पण बराबर नद्यर्पण। नद्यर्पण में ध जो आएगा वो विद्यालय वाला ध आएगा नद्यर्पण में। यस, मही प्लस अर्चन महयर्चन, मही प्लस अर्चन महयर्चन। हलंत यह खाली है महयर्चन। आगे नद्यंत, नद्यंत का विच्छेद नदी धन अंत, नदी धन अंत। प्यर्पण, प्यर्पण का विच्छेद देव देवी, सॉरी देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण देवी प्लस अर्पण। आगे मही प्लस आधार महियाधार, मही प्लस आधार महियाधार। दिव्यागमन देवी प्लस आगमन, दिव्यागमन देवी प्लस आगमन। नद्यामुख नदी प्लस आमुख, नद्यामुख नदी प्लस आमुख नद्यामुख। वाणी प्लस उचित, बाणयुचित, बाणयुचित, वाणी प्लस उचित, बाणयुचित। नदी प्लस उत्पन्न नद्युत्पन्न, नदी प्लस उत्पन्न नद्युत्पन्न। देव्युपासना का विच्छेद क्या होगा? देवी प्लस उपासना, देव्युपासना, देवी प्लस उपासना, देवी प्लस उपासना बराबर देव्युपासना। वाणियुपयोगी, वाणियुपयोगी का विच्छेद वाणी प्लस उपयोगी, वाणी
प्लस उपयोगी बराबर बाणुपयोगी, अन प्लस अय अन्वय, अन प्लस वय अन्वय। आगे मधु प्लस अरि मध्वरि, मधु प्लस अरि मध्वरि। नेक्स्ट है तन्वगी, तन्वगी का विच्छेद क्या होगा, तनु प्लस अंगी तन्वंगी, तन्वंगी, तन्वंगी का विच्छेद तनु प्लस अंगी, तनु प्लस अंगी बराबर तन्वंगी। स्वल्प, स्वल्प का विच्छेद होगा सुधन अल्प, स्वल्प, सुधन अल्प बराबर स्वल्प। गुरु प्लस आज्ञा बराबर गुरुवाज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा बराबर गुरुवाज्ञा। भान प्लस आगमन बराबर भानवागमन, भान प्लस आगमन बराबर भानवागमन। अनु प्लस ईक्षण बराबर अनुवीक्षण, अनु प्लस ईक्षण बराबर अनुवीक्षण। और ये शब्द लिखा है इसमें अनुवीक्षा, अनुवीक्षा का विच्छेद होगा अनुधन ईक्षा, अनुधन ईक्षा बराबर अनुवीक्षा। आगे देखते हैं अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। अनवेशी, अनवेशी का विच्छेद क्या होगा अनु प्लस एशी, अनवेशी का विच्छेद अनु प्लस एशी अन्वेशी। वधु प्लस आगमन बराबर वध्वागमन, वधु प्लस आगमन बराबर बद्धागमन, वधु प्लस आगमन बराबर बद्धागमन। भवादि का विच्छेद आधा भय भवादि, भाद एक तरह से भाद का विच्छेद होगा भू प्लस आद भाद, भू प्लस आद भाद। मात्र प्लस अनुमति मात्रानुमति, मात्र प्लस अनुमति मात्रानुमति। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। मात्र प्लस, मात्र प्लस इच्छा प्लस इच्छा प्लस इच्छा मात्र इच्छा। पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, ऊ की मात्रा आएगी पितृपदेश में, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश। एक नोट दे रखा है, नोट त हलंत प्लस र, त हलंत प्लस र के मेल से त्र बनेगा, त हलंत प्लस र के मेल से त्र बनेगा। दोस्तों ये संधि के उदाहरण पूरे हुए, पर हम एक बार और देख लेते हैं इन सारे उदाहरणों को फटाफट में 3-4 मिनट में एक बार दोबारा से देखते हैं। आइए देखते हैं, पहला है अति प्लस अधिक अत्यधिक, सु प्लस आगत स्वागत, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अति प्लस आचार अत्याचार, अनु प्लस इच्छण अनविक्षण, मात्र प्लस अनुमति मात्रानुमति। अति प्लस अल्प अत्यल्प, अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, गति प्लस अवरोध गत्यावरोध, वि प्लस अवहार व्यवहार, यदि प्लस
अपि यद्यपि इति प्लस आदि इत्यादि परि प्लस आवरण पर्यावरण अभि प्लस आगत अभ्यागत वि प्लस आयाम व्यायाम परि प्लस आ प्लस अभि प्लस उदय प्लस उदय प्लस उदय प्लस उदय अभ्युदय प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार रवि प्लस उदय रभ्युदय उपरि प्लस उक्त उपर्युक्त नि प्लस ऊन न्यून अधि प्लस उड़ा अध्युड़ा अधि प्लस एय अध्येय जाति प्लस एकता जातिकता नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण महि प्लस अर्चन महियर्चन नद्यंत प्लस नदी प्लस नदी प्लस नदी प्लस अंत नद्यंत देवी प्लस अर्पण दिव्यर्पण महि प्लस आधार महयाधार देवी प्लस आगमन दिव्यागमन नदी प्लस आमुख नद्यामुख वाणी प्लस उचित वाणीउचित नदी प्लस उत्पन्न नद्युत्पन्न देवी प्लस उपासना दिव्युपासना वाणी प्लस उपयोगी वाणुपयोगी अनु प्लस अय अन्वय मधु प्लस अरि मध्वरि तनु प्लस अंगी तन्वंगी शु प्लस अल्प स्वल्प गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा भानु प्लस आगमन भानवागमन अनु प्लस ईक्षण अनवीक्षण अनु प्लस इच्छा अनवीक्षा अनु प्लस ऐषण अन्वेषण अनु प्लस एसी अन्वेषी वधु प्लस आगमन बद्धागमन भू प्लस आधि भ्वादि मात्र प्लस अनुमति मात्रानुमति पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा मात्र प्लस इच्छा मातृच्छा पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश और एक नोट भी है त हलंत प्लस र के मेल से त्र बनता है। दोस्तों इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने वीडियोस का आनंद लिया होगा उम्मीद है। चलिए इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।